Can you really see the screen? Yes, ma'am. The 12 principles of effective communication. So when we are in market, we have to communicate effectively. अब अगर आप मार्केट जा रहे हैं एज यू आर मार्केटर्स और अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, आपको मिलेगा नहीं जो आप चाह रहे हैं. तो एज मार्केटर्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इज वाइटल, जरूरी है. इट इज वेरी वाइटल फॉर योर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव. जैसे बैंगलोर से एक बंदा है और वो गया, उसको विम चाहिए था, विम बार होता है, विम बार, उसको विम बार चाहिए था. तो दुकान में गया और बोला कि भैया जरा विम चाहिए मुझे. तो बोला कि नहीं है. तो कहा आप तो इतने सारे तो विम रखे हुए, आप दीजिए ना. तो नहीं, जो आप मांग रहे हैं ना वो मेरे पास नहीं है. वो तो है ही है, जो आप मांग रहे हैं मेरे पास नहीं है. ये विम क्या है, मैंने कभी सुना नहीं. क्या चीज बताइएगा, क्या चीज तो मंगा के रखेंगे आप, क्या है. तो बोला अरे वो जो है वही चाहिए हमको. तो विम वो बोलता, वो बोला जो कि सही उच्चारण है, लेकिन दुकानदार को तो बाय कहेंगे वो, उसको तो बी नहीं, उसको तो बी बोलना है. आप सही बोलेगा, बोलेगा कि बी चाहिए, ये कितना चाहिए आपको. तो दिस इज वो सही बोल रहा है, लेकिन उसकी भाषा वो समझ नहीं रहा, शॉपकीपर समझ नहीं आ रहा है. जबकि वो सही बोल रहा है, उच्चारण भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तुम उसी भाषा में बोलोगे जिस भाषा या लैंग्वेज या एक्सेंट में अगले को समझ में आ रहा है. अगर अगले को समझ में नहीं आ रहा है तो एज अ शॉपर, एज अ मार्केटर, तो तुम तो वहां पर फेल हो गए थे ना. वो बच्चा, वो बंदा समझा नहीं. इट इज वाइटल दैट यू फॉर योर कम्युनिकेशन. जिस भाषा में जिसको समझ में आ रहा है उसको उसी भाषा में, उसी लहजे में बात करनी चाहिए. अब यू कैन नॉट गो एंड टॉक टू पीपल इन इंग्लिश कि नहीं आप इंग्लिश ही में बात करेंगे. अपने घर में भी दादी से, नानी से आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर दीजिए तो योर कम्युनिकेशन विल क्रैश. कोई समझ में आता नहीं. और आप जो कहना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं आप ही समझ रहे हैं. सो कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, जिससे भी बात कर रहे हैं उसको उसी अंदाज में बात करना, जिस अंदाज में वो आपकी भाषा को डिकोड कर सके. आपने इनकोड करके नहीं किया, उन्होंने डिकोड नहीं किया. ये दिस इज द बैरियर, लैंग्वेज एक्सेंट बैरियर. सो फ्रॉम ईमेल्स टू ब्लॉग पोस्ट, चाहे आप ईमेल लिख रहे हैं या ब्लॉग लिख रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए कुछ मीटिंग के लिए कुछ आप लिख रहे हैं, एवरीवन सीम्स टू थिंक दैट दे हैव द एसेंशियल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन नाउ. So you have to come down to good communication, which is essential. Good communication, effective communication, it's all the same. So pehla kya, that may be true, but to make sure you are expressing yourself clearly and effectively, there are 10 principles of good communication. Excuse me, ma'am. Yes. 1 minute.
कोई क्लास में वो ऑन कर लिया है और डबल आपका आवाज जा रहा है, इको आ रहा है, इको जा रहा है, कोई इशू नहीं। आप ठीक है? यस मैम, यस ठीक है। अब सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज हैव अ गोल। अब हैव अ गोल का मतलब क्या होता है? तुम बेमकसद किसी से बात करने जाओगे क्या? हाँ बात करते हैं बेमकसद ही, जैसे कोई मायने मतलब नहीं है, मैं ऐसे ही बात टाइम पास कर रहा। जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो कोई मकसद होता है क्या? हाँ वो भी मकसद ही है, जर्नी काट रहे हैं तो चलो करें क्या, चलो किसी को बोर कर रहे हैं या खुद बोर हो रहे हैं या बोर कर रहे हैं। यस बट इन ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आप बिना कम्युनिकेशन बिना गोल के हैं, जैसे एक बार यहाँ हुआ था सर के कैबिन में, तो यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट, बात करना होता है, तो होता है ना ऑफिशियल बात करना, तो एक टाइम लेके जाते हैं हम लोग भी जाते हैं, तो वी मेक श्योर वो फ्री हैं, जान लेते समझ लेते तब जाते। यहाँ एक न्यू कोई एम्प्लॉय थे कंप्यूटर लैब में, तो उनको था कि मैम मुझे भी इंग्लिश पढ़ाना है। हम कहे कि हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, आप पढ़ाना है तो आप सर से बात कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या वो क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं तो ठीक है हम जाके बात करेंगे, नहीं कि पहले उनसे समझ लीजिएगा कि वो कब फ्री है तब जाइएगा, ऐसे मत सिर उठा के चले जाइएगा उनके पास। अब ये क्या किए, मतलब इन्होंने समझा नहीं, वो सीधे चले गए और जा करके वो बिना किसी अपॉइंटमेंट के। तो ये बात मुझे बाद में पता चली कि वो ये गए थे कि हमको इंग्लिश पढ़ाना है इसके लिए बात कर, लेकिन जब वहां पर वो गए उनसे पूछा गया कि मैंने आपको बुलाया है क्या, मतलब हैव आई कॉल्ड यू। अब सर के कैबिन में इसो बिजी, बहुत तरह की काम, बहुत तरह का काम उनके पास रहता है, और यूं ही से आप चले जाते हैं तो सब पूछेंगे मैंने बुलाया है क्या आपको, तो ही सर नहीं कुछ काम था क्या, नहीं ऐसे यूं ही चले आए, तो यूं ही चले आए। यू कैन नॉट गो टू योर द चीफ पर्सन द मेन पर्सन ऐसे ही बेमकसद। तो बात करने कहने का मतलब है कि हैव अ गोल, एक मकसद होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, कोई टॉपिक होना चाहिए, कोई कंसर्न होना चाहिए, कोई इशू होना चाहिए कि जिस पे आप प्लान कर रहे हैं कि मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले है यू हैव टू हैव अ गोल टू मेक अ कम्युनिकेशन, अदरवाइज गोल ही नहीं है बस चलो क्या है ना ऐसे ही इधर से आ गए तब तो सीन। हाँ तो और सब क्या है, और सब ठीक है ना, और बताओ। कभी कभी आप बहुत बिजी रहते हैं, ऐसे फोन आते हैं जो कि आपको बहुत जरूरी कुछ ऑफिशियल काम कर रहे हैं आप, तो ऐसे ही फोन किसी का आ जाएगा, सब ठीक है, हाँ हाँ सब ठीक है, तो और कुछ बताओ, चलो और कैसा हो रहा है, ठीक सब ठीक है, तब और सब, अरे और सब क्या कुछ नहीं, तो बेमक फिर पूछते थे, हम लोग पूछ लेते हैं क्या कुछ बात है क्या, नहीं ऐसे ही सोचे कि थोड़ा बहुत दिन हो गया बात की तरफ बात करते हैं, ठीक है भैया बाद में बात करेंगे आपसे, क्या बिजी है क्या? बिजी तो है ठीक है, तो हाँ तब फिर वो बिजी है फिर भी वो हाँ तो फलाना आदमी कैसा है उसे ना बहुत दिन से बात याद है, एक बार मिले थे हम लोग, अरे यार गो टू हेल। ऐसा ऐसे लोग होते कि नहीं, सॉल्यूशन एक ही है, हमें बहुत प्रॉब्लम है, 25 रुपए दे देना। यस उसके बाद दे विल नॉट कॉल यू, वो नहीं आएगा उसके बाद। तो इन कम्युनिकेशन, अ कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव शुड हैव अ पर्पस, शुड हैव अ गोल। First, you need to determine what you want your audience to do or get out of your communication. पहले आपको सोच लेना है, audience को read कर लेना है कि audience आपसे क्या चाह रहा है, और फिर वैसे ही बात करें। पहले क्या एक goal होना चाहिए, know your audience कि मुझे किससे क्या बात करनी,
जैसे वो बंदा जो दुकान में गया बोला मुझे बिम चाहिए, वो अपने ऑडियंस को जाना नहीं ना, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, नहीं होता। अगर वो जाते ही बोलता भैया जरा बीम दे दो तो बात करो। तो नो योर ऑडियंस। आर यू पोजिशनिंग योरसेल्फ एज अ थॉट्स लीडर और आर यू पर्सुएडिंग देम टू टेक एक्शन? तो क्या आपने आपको लीडर बता रहे हैं और क्या आपने लोगों जिनसे बात कर रहे हैं उनको आप पर्सुएड कर रहे हैं कि फोर्स कर रहे हैं कुछ एक्शन लेने के लिए? सो फिगरिंग आउट योर आइडियल आउटकम एट द स्टार्ट एंड इंटेंशनली क्राफ्टिंग अ कम्युनिकेशन टू रीच फॉर दैट गोल। तो पहले आपको गोल करना चाहिए, गोल सामने है तो कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, मकसद सामने है तो कम्युनिकेशन भी सामने हो जाएगा, और कम्युनिकेशन सामने है तो आपको पता है कि आपको ऑडियंस से क्या काम लेना है। व्हाट डज द ऑडियंस वांट टू नो एंड व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट देम, हाउ आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट देम टू टेक एक्शन? ठीक है, नो योर ऑडियंस, fix a goal, know your audience, know what your audience wants and know how to know what to expect from your audience. The sabse pehla point hi hai fix a goal. Aur ye sab karne ke baad aapki communication effective ho jayegi. Jaise Anup Jalota yahan par gana gaane aate hain, jab bhi aate the to unka ek hi gana chalta tha. कौन सा भजन का बहुत फेमस का भजन है? ऐसी लागी लगन। वो जब आते थे वो चाहते थे कि मैं, उन्होंने कहा भी एक बार मीटिंग में कि मैं चाहता भी हूँ कि मैं कुछ और मैं कोई नई चीज सुनाऊ, लेकिन लोग तो हैं कि बस वही सुनना चाहते हैं। तो ही नोज हिज ऑडियंस कि जब वो जाएंगे वो नब्स मालूम है कि ऑडियंस क्या चाहता है, वही लागी लगन। तो जो शुरू हो जाते हैं कि ऐसी लागी लगन पर वो अपना कंटिन्यूड रहते हैं। तो चलिए आप बस पॉइंट्स लिखिए और अपना थॉट प्रोसेस करिए, जो इसमें एक्सप्लेनेशन है उसको उतना ध्यान नहीं देना है, पॉइंट वाइज लिखिए। पहला है मकसद, एक गोल होना चाहिए किसी से बात करने के लिए, नहीं तो आपके कम्युनिकेशन में वेटेज ही नहीं होगा। जब वो होता है ऐसे ही बोलता रहता, छोड़ो उसकी बात छोड़ो, जब आपके कम्युनिकेशन में कोई वेट नहीं है, कोई बेमकसद आप बोलते रहते हैं तो पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली। क्यों? हाँ, अगर एक्स वाई जेड कह रहा है कि सुनो ना परसों एग्जाम है, कौन है वो घर आ रहे, छोड़ो यार उसकी बात छोड़ो, वो ऐसे ही बोलते रहता। सेकेंड है लिसन। अगर आप अच्छे स्पीकर नहीं है तो आप अच्छे, अगर आप अच्छे सुनने श्रोता नहीं है तो आप अच्छे वक्ता भी नहीं बन सकते। तुम सुनोगे तब तो तुम बोलोगे ना, तुम सुनोगे ही नहीं तो अपनी धुन में बोले चले जा रहे हो। वन वे कम्युनिकेशन काम नहीं करता। To listen, to speak, you must listen. Be a good listener. अगर आप अच्छे सुनने वाले हैं तो आप जानिएगा, if you are in a two-way communication, जैसे interview में क्या होता है, one-to-one होता है, the person is, the HR will be asking questions, you will be answering. आप सुन रहे तब तो answer कर रहे हैं, आपने सुना ही नहीं, आपका ध्यान और कहीं है, फिर आप बोलते हैं sorry sir, क्या फिर से बता सकते हैं, फिर से पूछिए सर। तो यहाँ पर क्या होता है, आप यू आर नॉट एक्टिव लिसनर। लिसनिंग इज अ वेरी इज वन प्रोसेस विच विल हेल्प यू इन योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि आप जब सुनेंगे तभी आप अच्छी तरह से जवाब भी देंगे। जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, अब आपको मैं बोलूंगी 20 मिनट के बाद कि मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट आर द एटलीस्ट 5 रूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो अगर आपने नहीं सुना है तो आप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है,
आपका एग्जाम्पल मेरा भी एग्जाम्पल रहता है और आपका भी एग्जाम्पल होना चाहिए. यू मस्ट ऑलवेज सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल्स. सो गुड कम्युनिकेशन इज नेवर वन वे. अच्छा जो कम्युनिकेशन होता है वो एक तरफा कभी नहीं होता है. इट्स वाई नो वन लाइक्स बीइंग स्टक विथ अंकल ब्रेथसन एट द फैमिली बीबीक्यू बिकॉज ही इज ब्रेथलेसली ही विल ब्रेथलेसली टेल यू अगेन एंड अगेन. एक कैरेक्टर है जो कि फैमिली बारबेक्यू में जाते हैं तो बात करते रहते हैं और पीपल गेट स्टक. मतलब चारा कुछ नहीं है. आप कोई कम्युनिकेशन करना भी चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे इसलिए कि वो एक बंदा है जो कि बोलता ही रहता है, आपको चांस नहीं मिलने वाला है. दैट इज बैड कम्युनिकेशन. सो हाउ ही फिक्स्ड हिज लॉन मोना. सॉरी एग्जांपल्स. द बेसिक थिंग इज टू बी अ गुड कम्युनिकेटर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. If you never listen to what your audience is saying to them, a chance to engage, you'll struggle to effectively connect with them. मतलब अगर आपने नहीं अगर आप अच्छे रिश्ते नहीं है तो आपको पता ही नहीं कि वो चाहेंगे क्या. क्वेश्चन क्या है. What will they expect? What will they want you to do? Forget the example इसमें और बस समझ लीजिए एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है. Listen carefully, listen intentively to be good at communication. And listening is one tool which will take you high in your process of effective communication. Quickly, third point pe aa rahe hain. Adjust to your medium. मीडियम क्या होता है. मीडियम इज अ चैनल. जब आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आपको वेरियस मीडियम्स नजर आते हैं सामने. आपको चॉइसेस है. यू कैन टॉक फेस टू फेस, यू कैन टॉक ऑन द फोन, यू कैन सेंड मैसेज ऑन ईमेल, ऑन व्हाट्सएप, ऑन टेलीफोन. तो देयर आर वेरियस चैनल्स और मीडियम्स. And when you start to communicate, जब आप सोचते हैं कि कम्युनिकेट करना है हमको तो सबसे पहले क्या होता है. आप चूज करते हैं कि हमको कैसे बात करना है. Yes. You can choose any not language, any medium. कि मुझे कुछ बात करनी है. अब आप सोचोगे ना कि मुझे कैसे बात करनी है. तो यू एडजस्ट टू योर मीडियम. कभी कभी आपको फेस टू फेस बात करना है जो कि व्हाट्सएप काम नहीं कर सकता है. कभी कभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, आपको डिटेल में कुछ लिखना है, समझाना है, बोलना है, तो यू विल चूज टू व्हेन यू आर नॉट इन अ हरी तो आप ईमेल भी कर सकते हैं. लेकिन आपकी तबीयत खराब है, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस और आई एम नॉट फीलिंग वेल, और आप मेल लिखते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए. अब जब एचआर आपका मेल देखेगा तब तो जवाब देगा. उसमें क्या होता है, यू नीड टू टॉक फेस टू फेस. यस. एंड देन यू कैन गेट द फेस टू फेस. करने से क्या होता है, यू विल गेट इंस्टेंट रिस्पॉन्स. तो दैट डिपेंड्स. एडजस्ट करना होता है कि पहले आप सोचेंगे नहीं ईमेल करेंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं जाके ही बात करेंगे. तो एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. किसी कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होने के लिए टाइमली कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है. एनीथिंग डन विदिन अ टाइम फ्रेम. सपोजिंग यू आर गेटिंग एन ईमेल दैट योर इंटरव्यू इज टुमारो 17th ऑफ नवंबर एट 10 AM एंड यू आर गेटिंग दिस मेल आफ्टर 11 o'clock. व्हाट विल यू डू. कैन यू रीच. नो. So everything should be in a time frame. And which will be, the medium will be selected by you only. Supposing you have to submit your mark sheet and documents in for verification, right? And the university tells you
that you can correct it tomorrow. And you say away from that place. You're in Bihar and this is from, say, Sikkim. You cannot go. There will be no trains available, no flights available. And so how can it be done? Then they can fax you. Isn't it? They can. Yes. Had you given them the correct information, you need it by tomorrow, then they what would they have done? They would have other means of communication. Facts kya hota hai? Immediately mil jata hai, instant mil jata hai. Yes. So you have to adjust to the medium. And if you're writing a mail, I need this by tomorrow, by the time they will read your mail, it is already tomorrow. So you need to adjust to the medium. Adjust ka matlab kya hota hai? Be flexible. Supposing you're talking on a telephone and there's because of the technical problem, the faulty connection, or I'm on Zoom and there's no unstable connection. What is going to happen? People who are online, they might not listen to people to who is saying what. So these are faulty connections. So what is the option? Adjust, come and attend the class offline. That's it. This is the only available option that I can tell you. If you have problems in interconnection, internet nahi hai, the camera on nahi kar pa rahe, this, that, paraphernalia. Ek hi solution hai, adjust to the medium. You come and attend your classes offline or stay there. With somebody is so much of doubt. तो जो बहुत appealing format है, जो कि appealing का मतलब होता है जो सबसे सही format है वो use कीजिए आप. ये ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ये होगा. In the long run करना क्या है? End result क्या है? कि for your communication to be effective, किसी तरह से बात पहुंचा देनी है. तो उसमें you will have to adjust to the medium को कैसे करना है? चाह के करना है, दौड़ के करना है, समझा के करना है. फोन पे कर देना है, मेल पे कर देना है, फैक्स करना है, जूम पे करना है, व्हाट्सएप कॉलिंग करना है, व्हाटएवर. सो यू कैन कम्युनिकेट डिफरेंटली. डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट तरीके से. जैसे योर इनवाइटिंग पीपल फॉर योर ब्रदर्स मैरिज, तो क्या करते हो तुम? जो आस पास में उनको डिफरेंटली ट्रीट करते हो ना, जो आस पास में लोकल उनको जाके देते हो, नहीं तो व्हाट्सएप पे कार्ड चला जाता है और जनरल कार्ड ही चला जाता है. तो डिफरेंट पीपल आर कम्युनिकेटेड डिफरेंटली, राइट? ऑन द फोन देन फेस टू फेस, बिकॉज द अदर पर्सन कांट सी योर फेस, हैंड जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज. तो उसमें क्या होता है, फेस टू फेस में क्या होता है, पीपल कैन सी योर बॉडी लैंग्वेज, बट व्हेन यू ऑन द फोन दे कैन नॉट सी योर बॉडी लैंग्वेज. बट ये टोन से पता चलता है कि वेदर यू आर हैप्पी और वेरी एक्साइटेड अबाउट इनवाइटिंग समबडी और नॉट. तो फोन पे क्या होता है, टोन से आपके आपके इमोशंस सामने आ जाते हैं, द वे यू आर स्पीकिंग. सो कॉन्टेक्स्ट अबाउट वेयर एंड हाउ योर कम्युनिकेशन इज बीइंग कंज्यूम्ड इज अ वाइटल फैक्टर टू कंसीडर. फॉर एग्जांपल, यू वुडंट से सर्टेन थिंग्स थ्रू रिटन कम्युनिकेशन बिकॉज द टोन एंड इन्फ्लेक्शन ऑफ द स्पोकन वर्ड इजंट देयर. तो चीज आप लिख के करते हैं तो उसमें क्या बैरियर क्या आता है? इसमें लिखित में टोन सामने नहीं आ जाता है, सामने नहीं आता है. तो लिखे क्या करना, जब मैं जाके बोलूंगा उसको, है ना? जाके बोलते हैं तो योर वर्ड सामने है, आप सामने हैं, योर फेशियल एक्सप्रेशन सामने है, तो योर होल पर्सोना इज देयर इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो यू विल डिसाइड किसको हमको मेल करना है, किसको हमको सामने जा करके बोलना है, किसको फोन से यूं ही बोल देना है. मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन को क्या करते हैं, उसके घर जा करके उसको आप बोलते हैं. हाँ, यू कैन कम्युनिकेट डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल. फॉर एग्जांपल, फोन देन फेस टू फेस बिकॉज द अदर पर्सन कांट सी योर फेस एंड यस. सो यू विल हैव टू एडजस्ट.
यस, अब बहुत लोग नहीं भी आएंगे कि व्हाट्सएप पे भेज दिया, थोड़ी जाने वाले हम. दे विल नेवर कम. रिलेटिव्स वांट शादी का कार्ड प्लस अ लेटर. नहीं, अब बहुत क्लोज रिलेटिव्स में कार्ड दे दोगे तो नाराज हो जाएंगे. अगर बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं एंड यू सेंड देम अ कार्ड, वो नाराज हो जाते हैं. वो इसलिए कि हमको गेस्ट समझता है. तो इसको एडजस्ट को इश्यू करने के यू हैव टू एडजस्ट टू द मीडियम. हाँ, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, आप गए नहीं, आप सपोजिंग यू आर लिविंग इन पटना सिटी, और ऑल द वे आप जा करके इतनी दूर दानापुर साइड जा करके आप देते हैं कार्ड, और सिर्फ कार्ड देके आप चले जाते हैं. दे विल नॉट कम. इफ दे आर वेरी क्लोज रिलेटिव्स, दे विल नॉट कम. और आप नाराज हो जाएंगे कि जा करके इतना, मतलब इतना दूर गए, टाइम निकाल के गए, उनके लिए गए, और फिर वो लोग नहीं आए. कारण क्या है, क्लोज रिलेटिव्स में कार्ड नहीं दिया जाता है. अब नए 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 बच्चे, इनको पता नहीं है कि क्या करना है. नहीं, सबसे पहले तो अंकल को जाके कार्ड देंगे. अंकल बोले कि मैं तो, और आप क्यों आए, आप क्यों जाओगे, योर पेरेंट्स विल गो, व्हाटएवर. लॉट ऑफ पैराफर्नेलिया जो होता है ना, ये बिहार का ये कल्चर है ना, ये आप कल्चर को निकाल नहीं सकते कम्युनिकेशन से. आप कल्चर से कम्युनिकेशन को निकाल लीजिएगा तो वहीं पर बैरियर हो जाता है, वहीं पर इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है. कि इतना भी तरीका पता नहीं है कि रिलेटिव्स को कार्ड दे दिया जाता है, जबकि वहां चिट्ठी दी जाती है. सब कार्ड भेजा अगर है तो एक दे हैव टू कॉल, एंड इफ यू आर सेंडिंग कार्ड दे हैज टू बी विद अ पैकेट ऑफ मिठाई. I have seen so many close people, their marriage, there is only one card on Facebook. People who are watching this, please do come. What is the reason? But you cannot, can you change the culture? You cannot change the culture. Be within the culture. For your communication to be effective, you have to go according to your culture. Culture ko kahan se nikalo? Adjust karo culture ko saath mein, matlab culture ko hata ke. Number 4, stay organized. What do you mean by the term stay organized? Jo bhi baat kehni hai, likhit mein kehni hai, oral kehna hai, रिटर्न में कहना है, एक ऑर्गेनाइज कर लीजिए कि कहना क्या है. इफ यू आर टॉकिंग टू योर अथॉरिटीज, योर सुपीरियर्स, यू मस्ट ऑलवेज हैव लिस्टेड थिंग्स, सम इश्यूज विच यू वांट टू डिस्कस. इट शुड बी मेक अ नोट ऑफ इट कि आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज प्रॉब्लम्स. चार पांच कंसर्न्स हैं जिसको हम, मुझे बात करनी है. अगर ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो क्या होगा? हो सकता है अनइम्पॉर्टेंट आपने कह दिया और इम्पोर्टेंट आप भूल गए. तो द मोमेंट यू विल टॉक टू योर बॉस, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. आई मीन कि आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं ना व्हेन यू टॉकिंग टू योर सुपीरियर्स, यू बिकम वेरी कॉन्शियस. और इसी में कई बातें आप भूल जाते हैं. कुछ ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया तो अब सारी बातें ही भूल गई, कहना क्या था. फिर आपको पूछा जाएगा क्या बात है, कुछ यू हैड एन अपॉइंटमेंट, नहीं बस ऐसे ही लीजिए, बस ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया. तो फिर क्या हो गया, बेमकसद की उनकी टाइम वेस्ट, आपकी टाइम वेस्ट. दैट इज वाई व्हेन यू आर ऑर्गेनाइज्ड, एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन विल ऑलवेज हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस. घर पे भी देखते हैं, कुछ टेंशन होता है, कुछ बातचीत होती है, कहीं किसी को कुछ बात करनी है, तो मैं कहता पहले पहले टेंशन मत करो, पहले लिख लो कि बात करना क्या है, नोट इट डाउन. क्यों, घर पे किसी को अपने ऑफिस में बात करना है, कोई कुछ ऐसा कंसर्न करना है, या पांच छह इश्यूज है, बगल वाला नेबर के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, अगर फोन ही करना है तो पहले बात क्या करना, लिख पहले क्या क्या बात करना है. सबसे पहले आप 11 बजे बोलते हैं कि मत चलाइए हैंडपम्प,
या व्हाट यू कॉल दैट चापाकल नहीं वो क्या आई डोंट नो व्हेन यू लिव इन एन अपार्टमेंट जिससे एलिवेटर होता है लिफ्ट होता है उसको आप लॉक कर देते हैं तो द सेक्रेटरी इज देयर तो यू हैव टू देयर लॉट ऑफ अगर इश्यूज कंसर्न हो जाते हैं जैसे न्यूज़पेपर वाला आता है वो उसका कंप्लेन है कि उसका हम लोग कंप्लेन करेंगे आपने न्यूज़पेपर दिया नहीं आपने तो वो बताता है कि मैं आपके अपार्टमेंट आता हूँ तो आपका तो दरवान खोलता ही नहीं है और तो फिर मैं क्या करूँ मैंने उसको देख के मैं बोलता हूँ कि या तो नहीं खोलोगे तो तुम जा करके दे देना अब वो कहाँ गिरा दिया कहाँ क्या किया तो क्या के बहुत सारे कंसर्न हो जाते हैं कभी कभी तो ऐसे सेक्रेटरी से बात करनी है तो लिस्ट डाउन द कंसर्न एंड देन टॉक तो एन ऑर्गेनाइज पर्सन विल ऑलवेज डू दैट सो स्टे ऑर्गेनाइज्ड अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड है अगर 5-7 आइटम आपको खरीदने हैं ग्रोसरी के तो आप लिस्ट बनाते हो कि नहीं कि नहीं बनाते हो तो फिर बनाते किस लिए हो ताकि कोई चीज तुम भूल ना इम्पोर्टेंट चीज कहीं भूल ना जाओ फिर भी आप भूल ही जाते हैं ऐसा होता है ना कुछ ना कुछ नहीं नहीं कभी कभी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए लिस्ट बन रहा था वही मेन चीज हम लोग मिस कर जाते हैं लगता नहीं वो चीज तो आई नहीं सो बी ऑर्गेनाइज्ड When starting out, create a cohesive high-level outline. Cohesive का मतलब होता है नहीं linking, link करिए जैसे एक बारे में बात करना है For example, I'm going to talk about PGDM, second semester. तो मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगी ना कि उसमें आपका भी कंसर्न डाल दूंगी नहीं लिंक करेंगे ना तो I'm going to talk about The problems of PGDM second sem. They are not attending any class. And plus, all the concerns us class ke hain. All the teachers ka concern hai. To sare ke sare baat karenge na. Sare ki sare baate karenge. Jo second sem ke baare mein baat ho rahi hai. Aur unke baare mein sare 5-6 concerns hain. Khatam ho jayenge. Then I will talk about PGDM first semester. Aapka update kya hai? Class update kya hai? Batana padega. तो लिंक होना चाहिए ना अगर पीजीडीएम के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा वहां का थोड़ा सा वहां का थोड़ा सा वहां का ऐसे तो इट शुड बी लिंक्ड ऐसे एक थीम से बात कर रहे हैं थीम के अंदर ही बात होनी चाहिए टॉपिक के अंदर में ही आउट ऑफ टॉपिक नहीं कुछ इसका मतलब कोहेसिव हाई लेवल आउटलाइन Sorry, high level outline that includes your goal and your main points to get across. Your main points kya hai? Sabse pehle, first of all, secondly, thirdly. Haan, coherent hona chahiye. Coherent ka matlab hota hai, cohesive, coherent. Matlab, it should be, one word should link to the other, one paragraph linking to another paragraph. For example, if you're describing something, सबसे पहले आप क्या डिस्क्राइब करेंगे अगर बोइंग रोड का कैंपस को डिस्क्राइब कर रहे हैं सबसे पहले आप क्या डिस्क्राइब करेंगे उसका एक्सटीरियर बाहर से कैसा दिखता है उसके बाद रिसेप्शन एरिया अब बाहर के बाद सीधे आप लैब नहीं बोल सकते ना वहां के बाद अब आप बात करेंगे वहां यहाँ के रिसेप्शन एरिया के बारे में उसके बाद यू कैन नॉट जम्प टू पाटलिपुत्र ब्रांच कर सकते हैं क्या नहीं यहाँ का पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिस्टमैटिक तरीके से दिस इज सिस्टमैटिकली डन कोहेरेंट यानी सबसे इम्पोर्टेंट तो लैब होता है लैब के बारे में बात करें उसके बाद बाहर के बारे में बात करें ऐसा नहीं होता है बाहर का हाँ लेट अस टॉक अबाउट द कैंपस ऑफ बोरिक रोड वी विल टॉक अबाउट द एक्सटीरियर्स देन द रिसेप्शन एरिया Then the corridor, then the faculty room, the library, the classrooms, and then upstairs in the lab, and then your MBA hall, CCNA, upstairs. So, what happened? Connected. Everything is linked to what?
गोइंग ऑन ब्रांच. तो जो भी बात करना है सिस्टमैटिकली बात करिए. Do not annotate. Number 5, be persuasive. Let me read it again. When starting out, create a cohesive high level outline and include your goal, your main points to get across. मतलब इनको बताने के लिए. And the main ways you're going to illustrate them for your audience. Stay focused on this plan. Be methodical in your research and avoid scope creep. मतलब कोई झूठ मूठ का स्कोप क्रीप का मतलब होता है कि अननेसेसरी झूठ मूठ के यहाँ वहां ताक झांक नहीं करना है. आप अपने पॉइंट पे फिक्स रहिए. I said I'll discuss 5 points. To be persuasive. Persuasive का मतलब होता है convincing. Be convincing. आप जो बोल रहे हैं कुछ इस तरह से बोलिए कि सुनने वाला आपकी बात को मान ले. अगर persuasive skills आपके पास नहीं है तो कोई negotiation skills आपको नहीं होगा. बात को जिस तरह से कीजिए कि अगला आपकी बात में convinced हो जाए. Be persuasive. So this is the whole reason you're communicating. किसी से बात क्यों करते हैं? ताकि लोग कन्विंस्ड हो जाए. हाँ, जो भी बोल रहे हैं कि the decision should be in your favor. Supposing you are speaking on certain issues, your speaking, your speech should be as such that the decision will be taken in your favor. This is called persuasive communication. Communication persuasive नहीं है, communication effective नहीं होगा. So, if appropriate, appeal to their rational side with relevant facts to back up your main argument. Is facts bhi zaruri hai, figures bhi zaruri hai, convincing powers bhi zaruri hai, communication skills bhi zaruri hai. For any kind of communication to be effective, you should be persuasive.